डॉक्टर ने इनको दूध दही के लिए मना किया था। बिल्कुल मना नहीं, ठीक से खाना खाओ, सब कुछ खाओ। बताऊँ, पापा पहले जहाँ डॉक्टर को दिखाते थे उस डॉक्टर ने पापा को सब कुछ खाने के लिए मना किया था, सब कुछ ना पापा? सादा सादा क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा सादा खाना खाए। चलो चलो बाजा बजा रहे, चलो। हॉस्पिटल से आया, खाना खाया, खाना खा के फिर मैं ना आया, ना आ गया क्योंकि सुबह सुबह लेके जाना था, मैंने तो ना आया नहीं किया था। ये नहीं खाओगे क्या? जैसा है कोई नहीं पिया, पी लिए सब, पी लिए पापा। अच्छा चल, सानिया जी की शराब है, इतना दूध दिया है जाए अपनो। इतना मैंने नाना का बेरा जी का भंडारा रहा। चल ताली दे दीदी। हम समझे, दो चम्मच इसको मिला करके चॉकलेट फ्लेवर में आई है, गर्मा गर्म दूध पीजिए। हल्का गुनगुना। हाँ सासू मैं ऐसा कैसे कर सकती, बहुत सर होती है कभी दो बार होती, कभी एक बार। ठीक है, जैसे बिल्कुल मना नहीं है, ठीक से खाना खाओ, सब कुछ खाओगे। ज्यादा खाओगे तो पानी आ जाएगा, इसलिए नमक का परहेज करो। काम करो जो भी करते हो, केवल नमक हल्का खाओगे तो पानी उतना नहीं आएगा, ठीक है? और दवा एक लिख देते हैं, ये दवा खाओगे तो पानी नहीं है करीब करीब तुम्हारे पास। लाइट भोजन लीजिए। कमरे अंदर के लिए बस बंद रखिए। तो पापा को दिखा करके मैं निकल चुका हूँ, और जैसे ही निकला हूँ इलाहाबाद में खतरनाक वाला ट्रैफिक लग गया है। हम कह रहे थे पापा पूरा झूसी पुल तक बगा ना, तो गंगा जी के। अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पापा पहले जहाँ डॉक्टर को दिखाते थे उस डॉक्टर ने पापा को सब कुछ खाने के लिए मना किया था, सब कुछ ना पापा? सादा सादा क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा सादा खाना खाए, खिचड़ी दाल चावल। आपको पता, 3 महीने से पिताजी हमारे सिर्फ खिचड़ी खा रहे थे, दाल चावल खिचड़ी, मतलब यहाँ तक कि दूध वगैरह चाय वगैरह सब मना किया था, सब मना, और मीठा वीठा की बात ही छोड़ दो, मीठा तो खाओ इन चक्कर में। यहीं लड़ ले रहे हैं लोग। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद की सबसे बेस्टम बेस्ट डॉक्टर है, तो उनको दिखाया हमने, तो उन्होंने जब पापा का पूरा प्रॉपर पुसारा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ देखा, और उन्होंने पापा को फिर सजेस्ट किया कि आपको सब कुछ खाना है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आप खा नहीं सकते हो, बस और बस आपको नमक से परहेज है, आप नमक नहीं खा सकते, बाकी सब चीज़ें खा सकते हैं। नमक खाना हो तो एक टाइम नमक खाना है, वो भी सुबह आप थोड़ा नमक खा सकते हो, फल फ्रूट खाइए, दूध खाइए, देसी घी खाइए। अब बताओ, जो इंसान 3 महीने से खिचड़ी खा रहा है सिर्फ, तो क्या होगा शरीर में? इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, अब की बार आए हैं तब क्या दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। अब की बार भी जिद कर रहे थे, नहीं नहीं रहने दो, मैं जिस डॉक्टर को दिखाता हूँ उसी को दिखाऊंगा। हम अब की बार गाड़ी से आते हैं, हम कहे नहीं अब की बार चलते हैं और दिखाएंगे डॉक्टर को। अभी पापा थोड़े से खुश हैं, चलो कुछ खाने को मिलेगा अब, क्या पापा? गलती की है, पहले ना आइए और भले भारत। हम तो कहते थे आपको कि जाइए प्राइवेट में दिखाइए, लेकिन ये गवर्नमेंट उसके चक्कर में थे। कोई बात नहीं,
चलिए आपका परहेज भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लोग घर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे गुन्ना डांस कर रहा है। गुन्ना चलो 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 बाजा बजा रहे, चलो काजल उधर नहीं लगाई के कर गया गनू, चलो गवा गुन्ना मामी इधर आ, कम कम A few moments later. तो गाइज यहाँ पे पैकेट में कौन सा था? यहाँ पे किटानी चाय लेकर के आ गई है और मैं सो गया था पापा को लाने के बाद हॉस्पिटल से। आया खाना खाया, खाना खा के फिर मैं ना आया ना आ गया क्योंकि सुबह सुबह लेके जाना था, मैं तो ना आया नहीं गया था। ये वाला नहीं खाओगे क्या? नहीं तो डिब्बे में रखा है। अभी मैं सो के उठा हूँ, गुन्ना को किट्टो ने सुला था, गुन्ना की तबीयत ठीक नहीं, पोटी कर रहा है, तो किट्टो भी चाय लेके आई है। रखो चाय, पापा लोग सब, पापा लोग सब पी चुके। ओए पूछे कौन है, पापा पिए चाय है? चाय अभी ढेर सा है, यानी कोई नहीं पिया? नहीं पी रहे, सब पी रहे हैं। पापा पूछे कौन था अभी, तो हमारा चेहरा दिखा किट्टो, मतलब बहुत खतरनाक हो रहा है नींद। और हम ना इस बेड पे इस जगह पे ही सोते, बहुत तेज नींद आता है इस जगह पे हमको, कमरे में नींद आता ही है, बहुत तेज नींद आता है हमको। किट्टो कितनी क्यूट लग रही है ससुराल में, सही कह रहे हो। सासू माँ चली गई, कहाँ गई? आपसे मिल के तो गई है, हम नींद में थे। कौन गया है छोड़ने? साधन से गई है। अच्छा पापा है बाहर तो नहीं है? चलो फिर इसको तभी जाके दवाई दिलाते हैं, इसको दवा दिलाओ। तो रोते रोते सो गया, बहुत ज़्यादा कर रहा है, हमको लग रहा है इसको पानी ही नहीं सूट करता है। पानी पिलाया, दूसरा तो मंगा दिया था बिस्लेरी का, नहीं करता है, तब पर भी नहीं करता है। अब दिल्ली से पानी भर के लाया करने 15 लीटर इसके लिए, नहीं कर रहा, कसम से नहीं कर रहा है कि चलो दूध भी दूसरा पिलाए तो करे। इस पाल डॉक्टर के, तो अभी किटुरानी आ गई है किचन में, किटुरानी आ गई किचन में और पापा आए अभी कहीं गए थे, तो लिए चाय गर्म कर रही है, रस मामा इनको देख रहे हो किट्टो? यार ये ना हाथ में दर्द कर देता है, बैठता नहीं है। तो गाइस आपको पता है गुन्ना इतना तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड से परे है। क्या जिंदगी तुम्हारी झंड हो गई है, जो जो दुकान में आ जा फिर बहाया है, रहने दो करने दो, अभी मत साफ करना, करने दो। हाँ इसको बदबू बहुत तेज दे रहा है ना, जी यार बजानो। अच्छा चल सानिया जाइए शरावा, इतना तो दूध दिया जाए अपनो यूपी देख के यार बाबा ही क्या अम्मा होइनी लड्डू। हाँ पहुंच गई ना, बड़ी पहुंच गई ना, गाड़ी लगता है भरे हुए तब गए हुए हैं ये चौरी ऑटो वाला। हेलो हाँ पहुँच गए भैया, देखो गाड़ी भरा हुई तब पहुँची हुई है सासू। मैं ऐसा कैसे कर सकती, पहुँच गई बताई भी नहीं, नहीं मम्मी है और मामी नहीं हो के रहा, मामा तो ही है क्या छूटा बा? अब क्या होता? हाँ तो मीठा उठा बनो वही कर बा। अब
तो हम लोग मीठा खाई खाई आओ अपने खिया से। हाँ अपने खिया गए ना, मेरे नाना के बेरा जी का भंडारा रहा। तो गाइस इनको लग गई थी भूख और इनको यहाँ गांव का चना बादाम बहुत पसंद है। दिखाना जी, ये भी खा रहा है। चल ताली दे। दीदी पापा पापा छोटा छोटा खिला दो। देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है ना, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो किट्टो गांव को मिस भी करती है। शादी में जा रहे हो? जाओगे शादी में? जाएंगे खा के चले जाएंगे। खा के आना ही तो है ना। और क्या करना है तुम्हें? कल हम लोग इस टाइम आए थे, इसी टाइम आए थे 8:30 बजे। हाँ 7:30 बजे करीबन निकली थी तुम वहाँ से। 6:30 बजे पागल हो? हम देखे थे घड़ी। टाइम दिखा दें हम? आप देख हम दिखा देते हैं। तुम चलो। तो पापा को इतने ढेर सारी मेडिसिंस मिली हैं। तो याद है ना पापा कैसे कौन सा खाना है? हाँ सब लिखा हुआ है। ई वाला हफ्ते में एक ही पिए, बजन 4 सीसी बाटे, ठीक बा? आपके सब दवाई में प्रॉपर लिखा बाटे। ई वाला लचबाई लखनी। चलो रात में सोत टाइम चबाया। चबाना है रात में, चबा कर रात में एक ही चबावे की बात। खाना ना खाई लिया ना, देखा गोली सब खाए के एक दिन छोड़ के एक दिन खाना है। आज खाए तो कल दिन खाया, ठीक है? ध्यान से संभाल के सब लिखा हुआ है। हाँ ध्यान से दोनों समझ में पूछ लिया मुझसे। आ गए फोन चेक कराइए, कहाँ लिया तो हम मांग लिया है। अब ब्लड टेस्ट का उसका रहा होगा, हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट का होता है। अब आज से दो सुबह शाम समझा, दो चम्मच इसको मिला करके चॉकलेट फ्लेवर में आइए, गर्मा गर्म दूध पीजिए। हाँ ये रख ले अपन पास, अपन सुबह शाम भूला जी ने को चीज। ये पापा को कमजोरी उसके लिए दिया, शुगर फ्री है। चला जा आज दवाई लेकर के आ गए हैं। अब पापा को तो आधा से डॉक्टर, आधा ज्यादा डॉक्टर ने अपने शब्दों से ही जो बातचीत करते हैं उससे ही सही किया है, बाकी अब उनका। हाँ पापा 25-30% तो इसे ठिकाइए, ही डॉक्टर दिखाए, बाकी रहेगी दवा, दवा खा तो माँ। अब दवा पापा को स्टार्ट हो जाएगा। खून एक जांच के 5,000 ले लिए पापा को, आज थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग गया ना, तो इसलिए उनको लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो सरकारी में कराते थे, सरकारी में पैसे लगते नहीं है। सिर्फ आप जो मेडिसिन वगैरह कराते हैं और जो टेस्ट वगैरह कराते हैं उसके पैसे लगते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, तो पापा को ही चिंता हो गया कि ये इतना उतना खर्चा क्या हो गया। दोस्त की टेंशन मत लीजिए आप, वो सब हो गया है सारी चीज़ें। अब बस गया सब लोग के एक टेस्ट आउट करावाएगी बाटे, ठीक बा? पहले मम्मी का, सबके टेस्ट कराना है। अभी डॉक्टर ने क्या किया है कि पापा का एक रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो उसके हिसाब से फिर बोला है कि जितने भी परिवार में जितने भी फैमिली मेम्बर है सबका टेस्ट होगा। वो तो टेस्ट होगा उसका, फिर अगर कोई दिक्कत होगी तो वैक्सीन लगेगा उसका, 3 स्टेप का। पहले इलाज हो गया उसका, पहले इलाज हो गया, क्योंकि थोड़ा सा होता ना इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, परिवार में साथ में सब लोग रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और पापा के सेहत में सुधार, अभी पहले से तो बहुत सुधार है। अभी हमने डॉक्टर चेंज कर दिया है, अभी हमने गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ आ गए हैं, तो मैं सारा कुछ अब करा रहा हूँ इनको पापा को, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और इनको मैंने बोला खानगी पीनगी का विशेष ध्यान देना है, एक एप्पल तो आपको डेली खाना ही खाना है। और इनको नमक के लिए मना किया हुआ है, नमक खा सकते हैं बिल्कुल हल्का नमक, ऐसा भी नहीं कि काला नमक खा लो, सेंधा नमक खा लो, उससे भी कुछ भी नहीं खाना है। नमक से परहेज करेंगे बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। तो पापा को वही मेन्यू में बता रहा हूँ कि आप, डॉक्टर ने बोला कि जैसे पहले वाले डॉक्टर ने दूध दही चीज़ें मना कर रखी थी, देसी घी मना किया था, लेकिन हाँ इस वाले डॉक्टर ने कुछ भी मना नहीं किया कि आप सब कुछ खाइए, दूध दही देसी घी वगैरह खाइए। तो वही पापा को बोला हूँ एक अपना देसी घी पराठे खा लो, ठीक है? तो ये क्या है कि आपको नमक भी नहीं खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप वैसे ही उसको कर लोगे। नमक से बिल्कुल परहेज बोला है कि नमक से ही मेन जो पेट के अंदर पापा के पानी आया था
तो उस नमक के ही कारण आया था। नमक को बिल्कुल परहेज करना। पापा के लीवर में दिक्कत है, डॉक्टर ने बोला क्योंकि ये एज है तो लीवर थोड़ा सा वीक हो गया, तो वो सही नहीं हो जाता, बस आपको परहेज और ये दब मेडिसिन लेने हैं। 20 दिन बाद फिर डॉक्टर ने बुलाया। अब उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी तो आप सब लोगों को अपडेट करेंगे। तो इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। खूब प्यार, बाय बाय।